नमस्कार, मैं हूं पप्लू पांडे और स्वागत करता हूं आप सबका पीपी की रिपोर्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में है। इनके जैसा बनने का ख्वाब बहुत सारे नेता देखते हैं पर बन नहीं सकते। तो आइए स्वागत करते हैं बाहुबली विधायक श्री बलवंत सिंह जी का। नमस्कार बलवंत सिंह जी। नमस्कार। विराजमान हो जाइए बलवंत सिंह जी। आप पर पहला आरोप यह लगता है कि लोग आपको बाहुबली नेता क्यों कहते हैं? कौन कहता है? जनता कहती है। जनता साली लौड़ी है, कभी इधर वोट देता है सब, कभी उधर वोट देता है सब। जनता के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? जनता आपसे नहीं है, आप जनता से हैं। हम जो भी है खुद से हैं। अब तू हमको बताएगा हम क्या है क्या नहीं है, है? ज्यादा चू चप्पड़ किया तो धारा 4456 लगवा देंगे। बलवंत सिंह जी, इतनी धारा कहाँ होती है? इतनी धारा हमारे संविधान में नहीं होती है। जो तू पढ़ा है उसमें नहीं होती, जो हम पढ़ा है उसमें होती है, जो हम पढ़ा है उसमें होती है। चलिए छोड़िए। अच्छा तो आप कितने पढ़े लिखे हैं, और जब आप पढ़ लिख रहे थे तो आपकी फैमिली आपसे कितना खुश? हम पूछ भी नहीं किए, हम पूछ भी नहीं किए घर वालों से तुम कितना खुश में है कितना दुखी में है, हम पूछ भी नहीं किए। चलिए जाने दीजिए, दूसरा सवाल पूछते हैं। आपको लगता है आप इस सरकार से खुश हैं? आपको लगता है कि ये एक सुशासन की सरकार है? लौड़ा का सरकार है। एक को आदमी इस सरकार से खुश नहीं है, एक को आदमी इस सरकार से खुश नहीं है। इस सरकार में इतना घोटाला हुआ है, इतना करप्शन हुआ है। तो आपको लगता है आप इस बार चुनाव जीतेंगे, और जीतेंगे तो क्या करेंगे? हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। पहले स्कॉर्पियो पे घूमते थे, अब हवाई जहाज पे घूमेंगे। इस बार विरोधी भी आपका बहुत तत्पर है, क्या लगता है आप जीतेंगे? कितने वोटों से जीत होगी? विरोधी इस बार है ही नहीं है, विरोधी का जमानत जब्त है। सुने आप पैंट में पिस्तौल रख के घूमते हैं? हम पैंट पहनते ही नहीं है, हम पैंट पहनते ही नहीं है। हाँ, हम डोरी वाला पजामा पहनते हैं, तुम हाथ डाल के चेक कर सकता है, इसमें जेब होता ही नहीं है। ये तो ऐसे ही मुंह करता रहेगा। अगली बार से ऐसा आदमी आया तो मेरे को यहाँ पे बुलाना मत, इंटरव्यू लेंगे। माधर चौधरी।